एक बड़ी खबर आ रही है बड़वानी जिले के राजपुर से, जहां पर सियासी घमासान मचा हुआ है। इस सियासी घमासान में रोज नए नए पेश सामने आ रहे हैं। आज दोपहर पूर्व गृह मंत्री बाला बच्चन के करीबी नेताओं के साथ एक दर्जन से अधिक कांग्रेसियों ने बड़वानी भाजपा कार्यालय पर भाजपा जिला अध्यक्ष ओम सोनी के नेतृत्व में भाजपा का दामन थामा था। अब सियासी घमासान में और दाव पेच खेले जा रहे हैं। इसी को देखते हुए पूर्व गृह मंत्री और कांग्रेस विधायक बाला बच्चन ने बड़ा सियासी पलटवार किया है। आज शाम लगभग 57 भाजपा कार्यकर्ता कांग्रेस में शामिल होने के लिए बाला बच्चन के घर पहुंचे हैं। ये एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। 57 भाजपा ही कांग्रेस में हुए शामिल। राजपुर व आसपास के भाजपा कार्यकर्ता बताए जा रहे हैं जो आज कांग्रेस में शामिल हुए हैं। कांग्रेस से भाजपा में जाना और भाजपाइयों का कांग्रेस में शामिल होना सियासत का दाव पेज बन चुका है। बीते दिनों सीएम शिवराज सिंह चौहान बड़वानी आए थे, जहां कांग्रेसियों ने भाजपा का दामन थामा था। जिले में भाजपा और कांग्रेस में इस तरह का सियासी घमासान देखने को मिल रहा है। राजपुर से राहुल गुप्ता की रिपोर्ट। आज कुछ कार्यकर्ता कांग्रेस में ज्वाइन हुए। देखिए, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि राजपुर विधानसभा क्षेत्र के राजपुर ओझर, ये शहरी क्षेत्र और इसके आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के लगभग आज 60 भाजपा के कार्यकर्ताओं ने भाजपा छोड़कर कांग्रेस की सदस्यता ली है और कांग्रेस परिवार में आज जो जुड़े हैं। 4 दिन पहले भी 20 भाजपा के कार्यकर्ताओं ने भाजपा छोड़ी थी और कांग्रेस में आए थे, कांग्रेस की सदस्यता ली थी। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि अभी ये राजपुर विधानसभा में लगभग हर एक बूथ पर भाजपा छोड़कर कांग्रेस में आने वाले कार्यकर्ताओं की बिल्कुल लाइन और कतार सी लगी हुई है। उसके पीछे कारण ये है कि भाजपा ने अभी तक, चाहे वो केंद्र सरकार की बात हो या मध्य प्रदेश सरकार की बात हो, जो वादे किए थे, जो घोषणा पत्र में जो लिखा गया था मैनिफेस्टो में, उन वादों से ये कार्यकर्ता और जनता निराश होकर भाजपा छोड़कर कार्यकर्ता तेज रफ्तार से कांग्रेस में जुड़ते जा रहे हैं। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जब से विधानसभा का सत्र एंड हुआ है और उसके बाद से जो मेरा भी रूरल क्षेत्र में और शहरी क्षेत्रों में जो दौरा चल रहा है, हर जगह लोगों को, लड़कों को, सबको भाजपा से थे, उनको लगता है कि ये केंद्र और भाजपा की सरकार मध्य प्रदेश की कर क्या रही है। डीजल है, पेट्रोल है, गैस सिलेंडर है, खाद्यान्न पदार्थों के जो रेट्स बढ़ते जा रहे हैं, उसके बाद किसानों की फसलों के उचित मूल्य नहीं, समर्थन मूल्य पे खरीदी नहीं होना, उसके बाद हर जगह गुंडागर्दी, और उसके बाद जो जिस तरह से वादे जो किए थे इतने भाजपा ने, उन वादों से मुकरती हुई उनकी विफलता के कारण तेज रफ्तार से बड़ी संख्या में भाजपा छोड़कर कांग्रेस आ रहे हैं। तो आज अभी हमने 60 लड़कों को अभी हमने कांग्रेस ज्वाइन कराई है और कांग्रेस की सदस्यता दिलाई है। हर जगह भी बड़ी संख्या में कांग्रेस में आने के लिए होड़ और कतार सी लगी हुई है। उसके कारण मैं समझता हूँ कि मध्य प्रदेश में 15 माह की जो कमलनाथ जी की जो सरकार रही है, कमलनाथ जी के प्रति जो एक रुझान जो बड़ा था, और अब जो मध्य प्रदेश की जनता और युवा वापस से मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी के हाथों में मध्य प्रदेश की बागडोर देना चाहते हैं, इस कारण से तेज रफ्तार से भाजपा छोड़कर कांग्रेस में आते जा रहे हैं और हम भी उनका स्वागत करते जा रहे हैं। आज देखिए, हमारे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सचिन जोशी जी, रमेश भाई चौहान जो जिला पंचायत के उपाध्यक्ष है, उसके बाद हमारी जो पूरी जो टीम है, इनने सब ने मिल के सबको ज्वाइन कराया है और रोज डेली का काम ये जो चल रहा है, उन सभी का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं और आप सबको भी हम धन्यवाद देते हैं। आज सुबह कुछ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी ज्वाइन करी, इस पे क्या कहना चाहोगे? उसका भी एक रोष है, उसका भी एक गुस्सा है, जो यहाँ से जो नगर पंचायत के पूर्व में जो हमारे जो साथी थे जीतू यादव जी, जो चले गए जिस भी कारण से, आज देखिए उनके पिताजी जो बाबूलाल फटफटा जी जो रेंजर रहे हैं, अभी वो रिटायर्ड है, कांग्रेस का काम करते हैं, और उन्होंने सबने, बाबूलाल फटफटा जी ने, जो एक सदस्य हमारे गए, उनके पिताजी ने आकर ये सबको, जो 60 लड़कों ने जो कांग्रेस ज्वाइन किए, सबका स्वागत कांग्रेस का गमछा डाल के जो किया है, तो पिताजी हमारे साथ में है और वो समझ रहे क्यों गए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत जल्द वो सब भी वापस कांग्रेस में लौटेंगे।